नमस्कार, आई वेलकम यू इन द प्रभात लैंग्वेज क्लासेज। टुडे वी शैल रीड ए स्टोरी शेयरिंग एंड केयरिंग। दिस स्टोरी इज इन क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। यह कहानी कक्षा छः की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक रेनबो में है। इस कहानी का नाम शेयरिंग एंड केयरिंग है। शेयर मीन्स हिस्सा बांटना, साझा करना। केयर मीन्स चिंता करना, देखभाल करना। तो शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना व देखभाल करना। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि ये कहानी हम सबको क्या सीख देती है। वेल, देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे, दोस्त थे। कहाँ? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियान ट्री। कौन दो दोस्त थे? एक मैंगो ट्री था और दूसरा बनियान ट्री। दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बातचीत करते थे। एंड enjoyed ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर आनंद लेते थे। एवरी नाइट लायन एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। प्रत्येक रात्रि लायंस, शेर एंड टाइगर्स और बाघ used to sleep under them, उनके नीचे सोया करते थे। Okay, the mango tree used to hurt animals, आम का वृक्ष used to hurt, घृणा किया करता था। किसको? animals, जानवरों से। मैंगो ट्री यूज्ड टू, ये आदत, बीती आदत बदलाने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। मैंगो ट्री यूज टू हेट, मैंगो वृक्ष, आम का वृक्ष यूज टू हेट, नफरत किया करता था, घृणा किया करता था एनिमल्स, जानवरों से। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड, वह कहता था। कौन कहता था? मैंगो ट्री कहा करता था। क्या कहता था मैंगो ट्री? आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर हटा दूंगा। ड्राइव मीन्स संचालित करना, चलाना। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर कर दूंगा। दे रोर लाउडली, वे जोर से दहाड़ते हैं, रोर मीन्स दहाड़ना। एंड स्मेल बैड, और दुर्गंध देते हैं। स्मेल मीन्स गंध, बैड मीन्स खराब, दुर्गंध देते हैं। द बनियान ट्री सेड, बरगद का वृक्ष कहा, डोंट बी सो रूड, इतने अशिष्ट न बनो, इतने असिस्ट न बनो, मतलब इतने मूर्ख या इतने बदतमीज न बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड इच अदर, हम वृक्षों और जानवरों को एक दूसरे की नीड होती है, आवश्यकता होती है, पड़ती है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें
अवश्य ही रहना चाहिए इन हार्मनी सामंजस्य में, तालमेल के साथ, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिजिड, लेकिन मैंगो ट्री, आम का वृक्ष, वाज रिजिड, वह अपनी बात पर दृढ़ था, वह अपनी बात सख्त था। He was not ready to listen to him. वह उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। कौन किसको सुनने के लिए तैयार नहीं था? मैंगो ट्री मीन आम का वृक्ष, बनियान ट्री अर्थात बरगद के वृक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं था। That night when the animals were sleeping under the tree, उस रात्रि जब जानवर were sleeping सो रहे थे, कहाँ? Under the tree वृक्ष के नीचे, तो mango tree shook its branches, आम के वृक्ष ने shake means हिलाना होता है, shake, shook सेक सुख से, किन तीनों फॉर्म्स का होता है। तो आम के वृक्ष ने हिलाया, क्या हिलाया? इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को, एंड मेड लाउड नॉइजेस, और जोर की शोर किया। जब शाखाएं हिले, उसको झकझोरा, तो खूब जोर से शोर हुआ, आवाज़ हुआ। द एनिमल्स थॉट, थिंक में सोचना होता है, उसका सेकंड फॉर्म थॉट। जानवरों ने सोचा इट वाज अ डीमन, कि कोई राक्षस था, शैतान था, एंड रेन अवे, और दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लव्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम का वृक्ष हंसा और खुश महसूस किया। नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगले शाम को दो वुडकटर्स, दो लकड़हारे, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन द हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। दे सा द बिग मैंगो ट्री, वे उस बड़े आम के पेड़ को देखे, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुडकटर्स, लकड़हारों में से एक ने सेड, कहा, फ्रेंड, मित्र, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, देखो ये कितना बड़ा वृक्ष है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस, हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, और यहाँ पर कोई नहीं है, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, न तो मनुष्य ही यहाँ हैं और न ही जंगली जानवर हैं, सो इसलिए लेट्स कट द ट्री डाउन, चलो वृक्ष को हम काट के गिराते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, वे वृक्ष को काटना शुरू किए। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का वृक्ष क्राइड आउट, चिल्लाया इन पेन, कष्ट में। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की दशा देख करके, द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, बरगद का वृक्ष चिल्लाया, किस लिए चिल्लाया? हेल्प के लिए, मदद के लिए। उसने कहा हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वाज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ वाज हर्ड सुनी गई, किसके द्वारा सुनी गई? भाई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों द्वारा सुनी गई। They rushed towards the banyan tree. They rushed, वे भागे, दौड़े, किधर की तरफ? Towards,
द बनियान ट्री बरगद वृक्ष की तरफ भागे। वेन द वुड कटर्स सा द वाइल्ड एनिमल्स जब लकड़हारे उन जंगली जानवरों को देखे, दे रेन एज फास्ट एज दे कूट तो वे उतनी तेजी से भागे जितना तेजी से वे भाग सके, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए भाग गए वे वहाँ से। फिर हुआ टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स आंसू रोल्ड डाउन लुढ़क पड़े फ्रॉम द आईज आँखों से, किसके आँखों से आंसू गिर पड़े, द मैंगो ट्री आम के वृक्ष से। ही सेड उसने कहा, यू वेर राइट माई डियर फ्रेंड ऐ मेरे प्रिय मित्र, यू वेर राइट तुम सही कह रहे थे, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ हमें नीड होती है आवश्यकता होती है ईच अदर एक दूसरे की, टू बी हैप्पी खुश रहने के लिए एंड सेफ और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री वे जंगली जानवर मूव नियर द मैंगो ट्री आम के वृक्ष के नज़दीक मूड मुड़े अर्थात गए एंड सेड और कहे, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग ये तो केवल एक साझेदारी एक दूसरे की देखभाल करके और साझा करके फ्रेंडशिप इज बॉर्न मित्रता उत्पन्न होती है। तो उन जंगली जानवरों ने क्या कहा कि एक दूसरे का ध्यान रख करके और साझा करके मित्रता उत्पन्न होती है मित्रता बनती है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। देखिए बरकत का वृक्ष कह रहा है, आई टोल्ड यू मैंने तुमको कहा था बताया था कि वी नीड एनिमल्स हमें जानवरों की आवश्यकता होती है एंड दे नीड अस और उन्हें अर्थात जानवरों को हमारी आवश्यकता होती है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो वी मे फॉल इन ट्रबल हम कष्ट में पड़ जाएंगे। ये बात किसने कहा, सेड द बनियान ट्री बरगद के वृक्ष ने कहा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स वी गेट द मैसेज हमें एक संदेश मिलता है क्या, डोंट कट ट्रीज वृक्षों को न काटें, सेव ट्रीज वृक्ष बचाएं, प्लांट ट्रीज वृक्ष लगाएं। यह हमें संदेश मिलता है इस कहानी से। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। इन वर्ड्स का ये देखो ये प्रोनंसिएशन आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इनकी मीनिंग है। देन देर आर कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस बोध प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। देन देर आर ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आपको इसके सामने सही गलत का निशान लगाना है। एंड स्टूडेंट्स आगे देखिए वर्ड पावर करके है, इसमें चुनना है द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ आप एक देख लें एक एग्जाम्पल में दिया सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, वह स्थिति जिसमें समस्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रबल बोलते हैं। ठीक अब आगे भी जो सेंटेंसेज हैं इसको आप देखिएगा जो लिखा है मीनिंग
कि लिविंग टूगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, इसको क्या बोलते हैं। इसमें आप खोजिए, पाइए कि एक साथ मित्रत्व व्यवहार के साथ रहने को क्या बोलते हैं। एनीथिंग डन इन अ हरी, कोई भी कार्य जो हम शीघ्रता में करते हैं उसे हम यहाँ क्या बोलेंगे। कह रहे हैं कि शोविंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों पर दया दिखलाने को क्या बोलेंगे। एंड डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल, कोई चीज़ हो जिसको दो या दो से अधिक लोगों में जब बांटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो इनकी इनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, आप खोज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आप देख लें। प्रेम क्वेश्चन एंड देयर आंसर विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, आप प्रश्न बनाएं और उनके उत्तर बनाएं इस जो टेबल दिया गया है उसके मदद से। देन स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें, लेट्स रीड, एक पोएम दिया गया है, इसको कहा गया कि लेट्स रीड, पढ़ते हैं। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट वंस गॉन नेवर कम बैक, टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, पीस, होप एंड ऑनेस्टी। थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। तो इनकी मीनिंग आप समझें। थ्री थिंग्स इन लाइफ, जीवन में तीन चीज़ें, दैट वंस गॉन, जो एक बार चली जाती हैं, दैट वंस गॉन। कहना थ्री थिंग इन लाइफ, जीवन की तीन चीज़ें दैट वंस गॉन, जो एक बार चली जाती हैं, नेवर कम बैक, को कभी वापस नहीं आती हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, देखें। कह रहे हैं टाइम, समय, वर्ड्स, बात एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर। समय, बात और अवसर बीतने के बाद वापस नहीं आते हैं। ये वर्ड्स का मतलब मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं, आप निकल गए तो वापस कैसे करेंगे। फिर स्टूडेंट देखें, थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट मे नेवर बी लॉस्ट, जीवन में तीन चीज़ें जो कभी कभी नहीं गायब होती हैं, कभी नहीं, जिनको खोना चाहिए, मे नेवर बी लॉस्ट, वो क्या चीज़ें हैं। अगर हैं करें पीस, होप एंड ऑनेस्टी, शांति, उम्मीद, आशा और ऑनेस्टी, ईमानदारी। मे नेवर बी लॉस्ट, इनको कभी खोया नहीं जा सकता, अर्थात इनको हमेशा, इनका अस्तित्व बना होता है। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्री थिंग्स इन लाइफ दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल, कि तीन चीज़ें जीवन की जो मोस्ट वैल्यूएबल होती हैं, सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती हैं, सबसे ज़्यादा उस पर वैल्यू देने योग्य होती हैं, वो क्या होती हैं। लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, कि प्रेम, आत्मविश्वास और मित्र, इनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका लेसन कंप्लीट होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड दिस लेसन, नाउ यू हैव नो प्रॉब्लम, रिपीट, सॉरी, ओके, यू मस्ट रिपीट द लेसन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट द आंसर्स एंड डू द एक्सरसाइजेज, देन गेट इट चेक्ड बाई योर टीचर। Thanks for watching the video.